दोस्तों, बाई सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम एनालिसिस करेंगे एचडीएफसी का लास्ट 2.5 महीने का परफॉर्मेंस। हमारा एक क्लाइंट ने बोला था कि आप 1 महीने का करते हैं, 15 दिन का करते हैं, तो उसने बोला कि मेरे को 2.5 महीने का परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट करके उसका वीडियो बना रहा हूँ। तारीख है 24/4। एचडीएफसी के अंदर ये पोजिशनल ट्रेड उसने बोला था कि पोजिशनल ट्रेड में कैसा होता है, तो देख लीजिए कि बाई सिग्नल था हमारा 26 तारीख को। बाई सिग्नल के पहले उसने ट्रिपल कंफर्मेशन दिया था 1, 2 और 3, तो उसने आगे से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप में है, तो आप इसमें लॉट की क्वांटिटी इंक्रेस कर दीजिए। अगर 1 है तो मतलब कि कंफर्म ही है, 2 है तो फुल स्ट्रांग है, अगर 3 है तो लॉट की क्वांटिटी फुल इंक्रेस है, मार्केट फुल ऊपर जाने वाला है, आप इसके लॉट की क्वांटिटी इंक्रेस कर दीजिए। बाद में उसने 2 बार उसने होल्ड करवाया कि पोजीशन होल्ड करिए, तो मार्केट काफ़ी ऊपर गया। सेल सिग्नल आ गया, सेल कंफर्म नहीं था, अब इसमें काम नहीं करना है, अगर यहाँ से काम करना है, बाद में कंफर्मेशन आया तो वहाँ से 1 लॉट में काम करिए और यहाँ से निकाल दिया, आप पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। बाई सिग्नल आ गया, बाई कंफर्म था, बाई के पहले ऊपर की साइड ब्लू का ट्रायंगल बना हुआ है, इसलिए बाई कंफर्म बन गया। 2 बार उसने बोला है कि होल्ड करिए, मार्केट काफ़ी ऊपर जाने के बाद, फुल प्रॉफिट करवाने के बाद ऊपर से आपको बोल दिया कि पोजीशन एग्जिट कर दीजिए, मार्केट इज डाउन, तो यहाँ से आपको पोजीशन एग्जिट कर लेना है। अब कोई क्लाइंट बोलते हैं कि होल्ड क्या होता है, कब तक होल्ड करना चाहिए, वो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं है, जब तक मार्केट नीचे जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट करवा के दिएगा। अब सेल दे दिया, कंफर्म हो गया, क्योंकि सेल के पहले डाउन ट्रायंगल था, बाद में यहाँ देखिए थोड़ा मार्केट चला, आपको कॉन्फिडेंस दिया कि डोंट वरी, होल्ड योर पोजिशन, मार्केट इज डाउन। थोड़ा आगे गया, फिर से आपको बोला होल्ड करिए, मार्केट इज वेरी डाउन। तो आपको क्या चलता है, इनसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रेस होता है कि आई मेरे को होल्ड ही करना है, मार्केट डाउन ही है। कभी कभी मार्केट बहुत नीचे चलता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी मेन है कि आपको बार बार यही बोलता जाता है कि होल्ड करिए। देखिए 7 से 8 बार कई बार गैप देखिए, उसने मैक्सिमम गैप लिखा है, इसने 1934 से लेकर करीबन यहाँ बाय आया, यहाँ पर बाय में एग्जिट नहीं करना है, वो मैं बोलता हूँ कैसे आगे जो देखते हैं कैसे होता है। 1934 से लेकर 1800 करीबन उसने 130 पॉइंट का गैप दिया एक ही सिग्नल के अंदर। अब यहाँ फिर से उसने मतलब कि अब आपको बाय सिग्नल दे दिया और यहाँ से आपको पोजिशन क्या करनी है, एग्जिट करनी है। करवाबी ने यहाँ उसने एक ऊपर की तरफ एरो डाला, ये बाई सिग्नल है वो कंफर्म नहीं था, पर अगर बाद में उसने कंफर्मेशन एरो यहाँ आया तो आप 1 लॉट में काम कर तुरंत यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। बाद में उसने क्या दिया, फिर से उसने सेल दे दिया, कंफर्म दे दिया, क्योंकि सेल के पहले डाउन ट्रायंगल था, तो कंफर्म हो गया। एक बार उसने होल्ड करवाया और उसी नेक्स्ट कैंडल से उसको लगा कि कोई पोजीशन अब ऊपर है, तो आपको तुरंत एग्जिट करवा दिया। बाद में आया बाई सिग्नल, तो बाई सिग्नल भी कंफर्म हो गया, क्योंकि बाई के पहले ऊपर की साइड ट्रायंगल बना हुआ था, तो क्या था, ये मार्केट काफ़ी ऊपर गया, सेल आ गया, पर सेल तो गलत है क्योंकि सेल के पहले डाउन जो ट्रायंगल था वो होने वाला है, पर वो तो है ही नहीं, तो आपको इसमें काम नहीं करना है। बाई सिग्नल आ गया, बाई कंफर्म बन गया, यहाँ आपको होल्ड करना है और यहाँ से आपको बोल दिया पोजिशन एग्जिट कर लीजिए, मार्केट इज डाउन। बाद में फिर से उसने सेल सिग्नल आ गया, सेल भी कंफर्म बन गया क्योंकि सेल के पहले डाउन ट्रायंगल था, यहाँ से आपको बोल दिया पोजीशन एग्जिट कर लीजिए। अब ये देखिए, अब ये सिग्नल आया है, इसमें आपको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है, यहाँ से क्या कर दिया, बाय दे दिया, होल्ड करवाया, काफ़ी मार्केट करीबन 57 तक गया था, 5 पॉइंट 7 पॉइंट इसमें मिल सकता था, पर उसने एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट करवाया है, 10 पॉइंट वो ऊपर गया था, पर कॉस्ट टू कॉस्ट उसने क्या करवा दिया, निकाल दिया। सेल सिग्नल आ गया, सेल कंफर्म बन गया क्योंकि सेल के पहले डाउन ट्रायंगल था, तो आपको इसमें सेल कंफर्म था। अब यहाँ देखिए होल्ड करवाया, बाद में अनकंफर्म बाय आया, रॉन्ग सिग्नल आया, तो आपको इसमें से निकलना नहीं है। क्यों नहीं निकलना है, क्योंकि यहाँ उसने ऑलरेडी बोला था
पोजीशन होल्ड करिएगा, मार्केट इज डाउन, तो यहाँ बाय सिग्नल से डरने की जरूरत नहीं है, पोजीशन आपकी कंटिन्यू रहेगी, ये भी कंटिन्यू रहेगी, यहाँ भी कंटिन्यू रहेगा, पोजीशन आपका यहाँ एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर की साइड ब्लू का ट्रायंगल डाल दिया। मार्केट काफ़ी बाय सिग्नल आ गया, बाय के पहले ऊपर की तरफ ट्रायंगल था, काफ़ी मार्केट ऊपर जा रहा है। बाय कभी कोई सब लोग पूछते हैं कि बाय में कैसे होल्ड होता है, तो ये देखिए बाय में होल्ड हो रहा है, बार बार बोल रहा है कि होल्ड करिए मार्केट इज अप, होल्ड करिए मार्केट इज अप, होल्ड करिए मार्केट इज अप, होल्ड करिए मार्केट इज अप। जैसे डाउन साइड ट्रायंगल आया, मतलब कि पोजिशन एग्जिट, तो ये जो मेन गैप निकालने की बात है, मैक्सिमम गैप आपको दिलवाएगा होल्ड करवा कर, और मैक्सिमम ऊपर से आपको क्या कर देगा, एग्जिट करवा देगा। पहले तो यही बात है कि सही सिग्नल को पहचानना, तो वो फैसिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब उसने यहाँ फिर से क्या करवाया, डाउन ट्रेंगल डाला, बाद में सेल सिग्नल आया, मतलब कंफर्म हो गया, तो सेल सिग्नल पर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि सेल कंफर्म है, सेल के पहले डाउन साइड ट्रेंगल था, ऊपर की साइड ब्लू का ट्रेंगल डालकर आपको एग्जिट करवा दिया। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में कभी पोजीशन दोबारा नहीं लेनी है, वो मैंने बोला था यहाँ भी प्रॉफिट मिल सकता था, तो उसमें भी मैंने मना किया था, और यहाँ भी अगर आपको फिर से री एंटर करवाता है तो कोई पोजीशन लेनी नहीं है। यहाँ ऊपर की साइड ब्लू का ट्रेंगल आया, बाई सिग्नल आया, कंफर्म हो गया, काफ़ी मार्केट ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट ख़त्म हो गया, ये हो गया 2.5 मंथ का परफॉर्मेंस। तो ऐसे परफॉर्मेंस आपको कोई दूसरे स्क्रिप्ट का देखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।